अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो देख लीजिएगा, मैंने छोटी मोटी सेलिब्रेशन की थी। राहिल बहुत लेट आए थे क्योंकि राहिल कुछ काम भी था और कुछ पढ़ भी रहे हैं, इस वजह से लेट हो जाते हैं। तो चलें जी, फिर भी अब मैंने चेंज कर लिया था तो अबाया पहन के केक काटा और यहाँ पे बच्चों को फिर जल्दी से सुलाया क्योंकि सुबह का स्कूल था। और फिर अम्मी और भाई भी विश करने आए थे मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी लेट ही आए थे, राहिल का वेट कर रहे थे कि राहिल आएंगे तो फिर हम आते हैं। राहिल थोड़ी सी स्टडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके सोने के बाद बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी करे क्योंकि मैं भूल गई थी कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, फ्राइडे है। पहले ये था कि बच्चों का कोई है फंक्शन तो बच्चे कपड़े पहन के जाएंगे, लेकिन फिर नहीं था तो मैंने यूनिफॉर्म प्रेस किया बच्चों का। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे, राहिल बच्चे साथ ही निकले थे। वैन थोड़ा सा लेट हो गई थी लेकिन चले बच्चे चले गए। खैर से मैं लाई हूँ अपने लिए ओरेंज जूस बना के, क्योंकि जो सुबह से मेरी एनर्जी ज़ाया तो नहीं हुई है, एनर्जी यूज़ हुई है तो उसे बहाल करते हैं बच्चों के जाने के बाद। मैंने सुबह में आज चाय नहीं ली है, मैंने कहा पहले जूस पीती हूँ। राहिल को भी मैंने जूस बना के बॉटल में दे दिया है और लंच के साथ आजकल सेब भी साथ दे देती हूँ फ्रूट्स। तो चलें, मैं अपना नाश्ता तो क्या है, जूस पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उठ के फिर नाश्ता करेंगे। चाय भी उठ के पियेंगे क्योंकि जूस पी के और अपने अंदर एनर्जी लेकर आते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ मटन और मटन गल चुका है बच्चों के जाने के बाद, मैंने रख दिया था। मैंने कहा था साग बनाऊंगी लेकिन अनाबिया कह के गई है मम्मा आलू गोश बनाइएगा, अनाबिया को आलू गोश बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें साग को हम ऐसे ही बना के रख देंगे फ्रिज में, कल इसको तड़का लगाएंगे और आज आलू गोश बना। साग है ना यहाँ तक था, ऊपर तक था, आ नहीं रहा था इसके अंदर, इतना ज़्यादा था माशाल्लाह से। और अब देखिए ये इतना हो चुका है कि अभी तो देखिए इसका और भी पानी ड्राई होगा, बनने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, ड्राई ड्राई सा थोड़ा सा बिल्कुल, है ना, कि एक टाइम चलेगा। हालांकि मैंने ये सब ये 4 kg है, 4 kg आप देखिए, ये पाव 3 पाव जितना, 1 किलो भी नहीं लगता है, इतना कम हो जाता है। तो बस अभी थोड़ा सा रह गया है, पानी ड्राई होता है इसको ठंडा करने के बाद किसी बाउल में निकाल लेते हैं। वो सालन हो गया है तैयार, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से माशाल्लाह से। अब ये फ्लेम ऑफ़ करूँगी तो इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी, बाकी सालन रेडी है। इसको बंद करते हैं, चले फिर आपसे मिलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल खैरियत से ठीक है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल, अगर मैं अपना खान व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आप सबको बहुत सारा जुमा मुबारक, बहुत सारी दिल से दुआओं के साथ जुमा मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और जो भी आपकी दिली मुराद है वह पूरी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सकून और खुशहाली लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी नमाज़ पढ़ते हैं और बच्चे मदरसे से आते हैं तो उसके बाद लंच करते हैं, खाना रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम आपसे मिलते हैं लंच के बाद। लीला बच्चे मदरसे से आ चुके थे तो मैंने आराम से नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पढ़ा, तस्बीह करी, बच्चे नहीं करने देते हो, फिर दोबारा आपसे मिली मैं। चले जी गाइस अभी चलते हैं हम मार्केट, बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं तो मैंने कहा सुबह बच्चों का ऑफ है और चल के ग्रॉसरी करके आ जाती, इस मंथ की ग्रॉसरी हुई नहीं है तो चलें देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। घर के करीब ही किसी मार्ट से ले लेते हैं क्योंकि अब कहीं और मार्केट जाने का टाइम नहीं है और सुबह सैटरडे तो बच्चे आराम से। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दाना हो गया, एक्ने हो रहा है तो इसमें इतना दर्द भी हो रहा है। अभी मेकअप हुए हैं ना इतने सारे तो मेकअप के बाद अभी क्लीजिंग अच्छी से हुई नहीं है तो इस वजह से शायद हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, ये तो लाइफ का हिस्सा है, सब चीज़ें साथ चलती है। चलें फिर हम आपसे मिलते हैं वहाँ जाकर।
करीब के ही मार्ट में गए थे हम लोग, और इतना एक्सपेंसिव सामान था ना, यकीन माने बिलीव करें इतना एक्सपेंसिव हो गया है, हर चीज़ के रेट इतने हाई कर रखे थे, मैं तो हैरान हो गई। लास्ट टाइम पे मैंने ब्राउन राइस जो होते हैं वो पर केजी 600 के हिसाब से लिए थे, और जब मैंने आज देखा तो ब्राउन राइस की रेट्स अलग थी और ये ऑलिव ऑयल का रेट अलग था। तो क्योंकि हमेशा राहिल का इसी में खाना बनता है तो वही लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा हम बहुत हाई रेट थे। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि करीब का मार्ट था तो मैंने कहा चले चली जाती हूँ, वरना मुझे ज़्यादा सही सामान लियाकत मार्केट से लगता है। फ्रेश मसाले होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पिसवा लें। ये देखिए ये जार पहले 600 का आता था, अब इसको 1500 का कर दिया है। बहुत महंगी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वो ही ली, और क्योंकि लेट भी बहुत हो रहे थे तो देख लें घर के करीब में था, वरना इम्तियाज़ जाती हूँ या लियाकत मार्केट जाती हूँ, मुझे घर के करीब वही पड़ता है। हाँ करीब में ही इतने अच्छे में ऊपर जब गई तो यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे अनाभ्य की ट्राउज़र मिल गए, और सेल में मिल गए थे क्योंकि सेल लगी हुई थी। अब ठंड जा रही है, विंटर ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा चले अनाभ्य के थोड़े से बड़े देख के ले लेती हूँ। फिर बच्चों ने ज़िद करी बाहर निकलते के साथ ही पिशावरी आइसक्रीम है कि हमें आइसक्रीम खानी है मामा, तो मुझे ये होता है अल्पाइनों पर चले जाएँ, अल्पाइन भी खा लेते हैं, लेकिन उमर को सलार को बहुत पसंद है। अनाभ्य को अम्मी के पास छोड़ कर आई थी मैं, और क्योंकि सलार को भी इसलिए लाई थी, सलार बाज़ार नहीं आना चाहते बट उसकी शर्ट लेनी थी, यूनिफॉर्म लेना था उसका मुझे, तो इसी वजह से उसे लेकर आई। उसने तंग भी बहुत किया मुझे, ये दिला दें ये दिला दें, लेकिन उसका यूनिफॉर्म लेना था तो इसलिए उसे ज़रूर लेके आना था मुझे। मम्मी के घर जाना था नाभे को लेने के लिए, तो मैंने कहा कचौरी लेके फिर चलते हैं। चलें जी फ्रेंड्स, अब एंड लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, तो फिर आपसे एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।